हेलो एवरीवन, वेलकम टू TSN एजुकेशन चैनल। दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटॉम्स ऑफ नेचुरली ऑक्यूरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर पावर जो एनर्जी स्टोर होती है न्यूक्लियर के जो एटम्स होते हैं और जो भी नेचुरली ऑक्यूरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि यूरेनियम और थोरियम में। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। उसके बाद ये पावर्स जनरेट करते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर USA एंड यूरोप। जो भी ग्रेटेस्ट जो प्रोड्यूसर हैं न्यूक्लियर पावर के USA और यूरोप हैं। इंडिया में राजस्थान और झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। इंडिया में राजस्थान और झारखंड में लार्ज डिपॉजिट हैं यूरेनियम के। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। थोरियम केरला के मोनोजाइट सैंड्स में लार्ज क्वांटिटीज में मिलते हैं। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में तमिलनाडु के कलपक्कम में लोकेटेड है। महाराष्ट्र के तारापुर में, राणा प्रताप सागर, कोटा राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के नरोड़ा और कर्नाटका के कैगा में लोकेटेड हैं। जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो भी हीट एनर्जी अर्थ से ऑब्टेन होती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। जैसे ही हम अर्थ में डीप जाते हैं तब जो अर्थ का इंटीरियर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है। समटाइम्स द हीट एनर्जी में सरफेस इट्सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ए हॉट स्प्रिंग्स। कई बार ये टेम्परेचर इतना हाई होता है कि अर्थ के जो सरफेस पर हॉट स्प्रिंग्स की तरह आ जाता है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इस हीट एनर्जी को पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज बीन यूज फॉर कुकिंग। जियोथर्मल एनर्जी को के जो भी हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में मिलती है इसे कुकिंग हीटिंग बाथिंग के लिए सेवरल ईयर्स से यूज़ किया जा रहा है। USA एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर फॉलोड बाई न्यूजीलैंड आइसलैंड फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। और जो USA है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल यहाँ पर पावर प्लांट्स हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड आइसलैंड और फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका में। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में लोकेटेड है और लद्दाख के पूगा वैली में लोकेटेड है। टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेट फ्रॉम इट्स टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो भी एनर्जी टाइड से जनरेट होती है उसे टाइडल एनर्जी कहा जाता है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। सी के ओपनिंग्स पर जो भी डैम्स होते हैं कुछ ऐसे डैम्स को बनाने के लिए इस टाइडल एनर्जी को भी यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम ऑफ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो भी डैम में टर्बाइन इंस्टॉल किए जाते हैं वहाँ पर इस टाइड्स को यूज़ करके उन टर्बाइन को यूज़ किया जाता है और एनर्जी को जनरेट किया जाता है। डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। रशिया फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव यूज टाइडल मिल फार्म्स। रशिया फ्रांस में और इंडिया के गल्फ ऑफ कच्छ जो है वहाँ पर
टाइडल मिल के फार्म्स हैं। बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्ट इनटू ए गैसियस फ्यूल्स कॉल्ड बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि जो भी डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल मटेरियल और एनिमल जो डंग है और किचन वेस्ट को कन्वर्ट करके गैसियल जो गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करके कन्वर्ट किया जाता है जिसे बायोगैस कहते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, और इस ऑर्गेनिक जो वेस्ट को डिकम्पोज बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं इन बायोगैस डिगेस्टर्स टू एमिट बायोगैस, और उससे बायोगैस रिलीज बनती है। इस एसेंशली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल ऑफ कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर ईच ईयर। बायोगैस से जो कुकिंग के लिए फ्यूल रिलीज होता है, जो भी फ्यूल बनता है, और लाइटिंग और के लिए से यूज़ किया जाता है, और ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है, जो खाद होती है, बहुत ज़्यादा हर एक साल इससे प्रोड्यूस होती है। Energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. Energy हर जगह पर होती है, but इसको use करना, जैसे हम इसको use करते हैं, बहुत difficult होता है, और इसमें cost भी बहुत ज़्यादा लगती है। Each one of us can make a difference by not wasting energy. हम इसको सेव कर सकते हैं, अगर हम एनर्जी को वेस्ट नहीं करें तो हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेट, अगर एनर्जी को सेव करेंगे तभी एनर्जी जनरेट होगी। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, कि अभी से एक्ट करते हैं और एक अच्छा ब्राइट एनर्जी फ्यूचर बनाते हैं।